बच्चे आज हम लोग डे 21 में बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट टू क्लास 12th का डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें होता क्या है। हमारे पास बेसिकली आज हमने पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखना है कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके बेस पेयर को हम लोग दोनों साइड से रीड करें, 5 to 3 या 3 to 5 डायरेक्शन में, उसकी रीडिंग ओरिएंटेशन कैप्ट रिमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जैसे आपके पास ये आ जाता है, देखो घाटक GAATTC इधर के लिए पढ़ा तो ये, अब इधर के लिए पढ़ो GAATTC। ठीक है, तो इस ऐसे बेसिस के अरेंजमेंट को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे नितिन हो गया, नितिन हो गया, ठीक है, NITIN, नितिन, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है बच्चे, मॉम आ गई, ठीक है, मॉम हो गई, है ना, दोनों साइड से पढ़ो इसको, इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चों के जो नाम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हैं तो वो आप लोग मुझे टैग करें, बताएं। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चे, देखो द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। ये हमारा इकोराई का है, ठीक है, ये वाला जो है ये फॉरन डीएनए, ये हमारा फॉरन डीएनए, मतलब ये ह्यूमन का है, ह्यूमन डीएनए, और ये हमारा वेक्टर डीएनए है ना, वेक्टर डीएनए बोले प्लाज्मिड का डीएनए, इकोलाई का डीएनए, दोनों को हम लोगों ने इनके ऊपर सीक्वेंस जी और ए के बीच में से कट करेंगे, जी और ए के बीच में से कट करेंगे, तो कट करने के बाद बच्चे कुछ ऐसा आएगा, एक उसका ये एंड जो है ये स्टिकी एंड आ जाएंगे। ठीक है, ये कट करने के बाद ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन स्टिकी एंड्स, ठीक है, ये जो स्टिकी एंड्स हैं ये ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा डीएनए लाइगेस एंजाइम आएगा, जिसकी वजह से देखो बच्चे टी के साथ ए जुड़ जाएगा, ठीक है, टी के साथ ए जुड़ जाएगा, ए के साथ टी जुड़ जाएगा, बट कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला, ये ए इधर आ गया, ये ए इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ जाएंगे बच्चे, समझ आ रही है बच्चे बात। देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर डीएनए लाइगेस एंजाइम होगा जो इनको ज्वाइन करवाएगा। स्टेप्स इन्फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय इक्वराई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बाय स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसिस अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव स्ट्रैंड दैट ओवर हैंगिंग स्ट्रेच एंड दिस कॉल्ड स्टिकी एंड्स दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईयर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये फॉरेन डीएनए मतलब ह्यूमन डीएनए, वेक्टर डीएनए मतलब इकोलाई के लिए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, सेम एंजाइम यूज होगा, सेम एंजाइम यूज होने से ये हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इसको कट 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 कर दिया और यहाँ पर भी इसको कट कर दिया। ठीक है, अब इसके फ्रेगमेंट को इसके ऊपर जुड़ा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड, तो हमारे पास ये इतना सा पार्ट अलग है, बाकी ये सारा एक ही है, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे तो सेल डिवाइड होंगे तो एक क्लोनिंग होस्ट जो है हमारा डिजायर्ड जीन जो ज़्यादा से ज़्यादा वो बन जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। अब आपको देखना है इसमें क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। देखो व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर, तो क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास आता है एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, दैट इज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, विच इज़ क्लोनिंग वैक्टर। ठीक है, देखो प्लाज्मिड आर द ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बैक्टीरिया, सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल, अदर हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। ठीक है, बैक्टीरिया ये आ गया हमारा प्लाज्मिड, अब बैक्टीरिया हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम्स विद इन द बैक्टीरियल सेल्स विद अ क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट सेल्स, लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए आल्सो मल्टीप्लाइड टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर। ठीक है बच्चे, फीचर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग, तो क्या क्या होने चाहिए उसमें फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एक उसके पास बच्चे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, हम किसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर, जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, और किसको बोलेंगे जिसके पास मार्कर जीन्स होंगे सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, और क्या होगा बच्चे, देखो और क्या, और एक और हमारे पास पॉइंट आएगा जिसके पास एक क्लोनिंग साइट होगी, क्या होगा, एक क्लोनिंग साइट होगी। ठीक है बच्चे, तो आपने देखना है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वर स्टार्टेड,
है ना, दिस इज द सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड और आई कैन रेप्लिकेट विद इन द होल सेल, दिस आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, सो फॉर गेटिंग मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। ठीक है बच्चे, ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इट इज़ अ जीन दैट हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विच इज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है बच्चे, राइट। क्लोनिंग साइट क्या होता है, क्लोनिंग साइट में हम बोलते हैं दिस रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू लिंक द एलियन डीएनए, द वेक्टर नीड अ सिंगल आर एवरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरल सेवरल फ्रेगमेंट्स, इट कॉम्प्लिकेटेड द जीन क्लोनिंग। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चे। लाइगेशन ऑफ एल एन डी एन एन कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज पी बी आर 322 आर्टिफिशियल सिंथेसाइज प्लाज्मिडाइन। ठीक है, फॉरन डी एन ए लाइगेटेड बी एम एच वन साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एज अ रिजल्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज फॉर्म, लाइगेशन डज नॉट अकर इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट देखो, हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट हाइंड थ्री हो सकती है, कोराई वन, बैम एच वन, साल वन, पी वी वन, पी एस टी वन, सी एल ए वन, ओ आर आई साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और क्या आर ओ पी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम है आपके पास। ठीक, इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन क्या आती है, फॉरन डी एन ए जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं और रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाती है टेट्रासाइक्लिन की। ठीक, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, ये भी एक बार आप लोग देखेंगे बच्चे। ठीक है, मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, वेक्टर क्या है, और भी इसमें आप लोगों ने देखने बच्चे कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है। कॉम्पिटेंट होस्ट होता है, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, डीएनए इज, एक तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता था आपका, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जेनेटिक टूल्स ऑफ सम पैथोजेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशंस ए पैथोजेंस ऑफ मेनी डाइकॉट प्लांट्स कैन डिलीवर पीस ऑफ डीएनए टी डीएनए टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल्स टू ट्यूमर, दीज ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजेंस, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई प्लाज्मिड ऑफ द ट्यूमीफेशन इज मॉडिफाइड टू क्लोनिंग वेक्टर विच अ पैथोजेनिक कैन यूज मैकेनिज्म डिलीवर जीन्स फॉर इंसर्टिंग टू प्लांट्स। ठीक है बच्चे, तो इसमें हीट शॉक मेथड, जीन गन मेथड, जैसे रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था आपको, अभी ये क्वेश्चन आया था कितने डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको हीट शॉक करते हैं, 42 पे। ठीक है, बायोलॉजिक मेथड विच इज जीन गन, इन दिस सेल्स द बम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड्स एंड टंगस्टन, ये भी पूछा गया था अभी आपको पीछे पेपर में, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर दे इन्फेक्ट द सेल्स एंड ट्रांसफर टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, है ना, दैट इज ट्यूमीफेशंस। ठीक है बच्चे, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। पीसीआर के स्टेप तो आप जानते ही हैं, बट इसके साथ साथ आप लोग देखो, पीसीआर डीनेचुरेशन होगी, पहले इनीलिंग होगी, एक्सटेंशन होगी, पॉलीमरेज इक्विटिकस होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डीनेचुरेशन में दूर दूर होंगे स्ट्रैंड, ऐसे ऐसे दूर दूर होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास इनीलिंग में क्या होगा बच्चे, आरएनए स्ट्रेच जुड़ेगा इसके साथ, आरएनए स्ट्रेच जुड़ेगा, और एक्सटेंशन में क्या होगा, यहाँ से आगे एलोंगेशन होगी ऐसे करके, तो हमारे दो कॉपीज बनेगी डीएनए रेप्लिकेशन। हाई टेम्परेचर में ये क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है एक्सटेंशन इट इज़ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड, एक्सटेंशन जब करते हैं तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मो एक्वेटिकस। ठीक है, इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, थ्रू द कंटिन्यूस रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट इज एम्प्लीफाइड एज अ 1 बिलियन कॉपीज, द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट कैन बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर एज पर दिस। ठीक है, एक ये आ गया, ये आ गया हमारे डीएनए फ्रेगमेंट।
कटिंग अप डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। देखो बच्चे, कटिंग अप डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, लार्ज फ्रेगमेंट स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर जल्दी इधर पहुंच जाएंगे और लार्ज होंगे वो पीछे रह जाते हैं, तो इससे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। ठीक है, तो ये बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर आपको याद रखना है। डाउन स्ट्रीमिंग वाला प्रोसेस क्या क्या होता है, डाउन स्ट्रीमिंग है सेपरेशन प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बायोसिंथेटिक स्टेज, द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द सूटेबल प्रिजर्वेटर, सच फॉर्मुलेशन अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड द स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट वीडियो।